तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि आप लोगों का जैसा डिमांड आ रहा था भाई लो बजट कार लेकर के आओ जो कि परचेज़ किया जा सकता है। तो लो जी, ऐसा गाड़ी लेकर के आओ ना जिसका आपको डाउन पेमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कैश दे करके ले सकते हो। और जहाँ पे मतलब जिस पोजीशन पे आप लोग टाटा नैनो को पसंद करते हो ना, उससे लाख गुना अच्छा पोजीशन पे मैं इस गाड़ी को लेकर के आऊँ। इस गाड़ी का कंपनी का चलिए पहले नाम बता दूँ, वैसे तो बहुत लोगों को पता होगा, जिनको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कौन सी कंपनी की गाड़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों, गाड़ी है हुंडई की सेंट्रो। हालांकि जो गाड़ी है ना अभी हो चुकी है डिसकंटिन्यू, लेकिन काफ़ी बेस्ट प्राइस में सेकंड हैंड में ये गाड़ी सेल हो रही है और बहुत लोग इस गाड़ी को बाय भी करना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम पे ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म अच्छा करती थी और बहुत लोगों के दिलों पर अभी भी ये गाड़ी राज करती है। हेडलाइट्स की बात करें तो जस्ट टाटा नैनो की तरह आपको इसका सिंपल सा हेडलाइट जो नॉर्मल हाइलोजन आता है वही देखने को मिलता है, कुछ खास नहीं है। हाँ, प्रोजेक्टर चाहे तो आप इसमें भी लगवा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और साइड इंडिकेटर की बात करें तो जी हाँ, साइड इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। एंड फॉग लैम्प की बात कर ले तो फॉग लैम्प आप उसमें स्पेस तो दिया गया है, बट फॉग लैम्प गायब है, यानी कि फॉग लैम्प दिया ही नहीं है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना टॉप एंड मॉडल आप नहीं देख रहे, टॉप मॉडल से एक मॉडल नीचे की गाड़ी है। अगर यही टॉप मॉडल हुंडई की सेंट्रो होती ना तो आपको फॉग लैम्प भी नीचे में देखने को मिल जाता, बट इट्स ओके, आप चाहें तो उसमें आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, उसमें आपको मतलब कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा खर्चा होगा, आराम से लग जाएगा। और फ्रंट में बात करें तो फ्रंट में आपको उसके अंदर आपको दो वाइपर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर नैनो का सिंगल वाइपर आता है वहीं पे यहाँ पे आपको दो देखने को मिल जाता है। मतलब मेरा कहने का साफ साफ यही मतलब है कि जो आप नैनो जिस प्राइस पे लेने जा रहे थे ना, छोटी गाड़ी थी ठीक है, तो उसी प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ी जब गाड़ी मिल रही है और मार्केट में डिमांड इसका भी ठीक है, प्लस हुंडई कंपनी के, नैनो का क्या है ना कि थोड़ा स्पेयर पार्ट्स को लेकर के थोड़ा इशू चल रहा है, स्पेयर पार्ट्स जल्दी अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तो आप इस गाड़ी को ले लो, उस गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। और दूसरा क्या है कि बहुत ज़्यादा गाड़ी है और बहुत ज़्यादा सेल भी हो रही है, और प्लस मॉडल की बात करें तो मॉडल भी ठीक ठाक मॉडल है और कोई इशू होने वाले नहीं है, मेरी तरफ से माने तो कोई इशू नहीं है। टायर कंडीशन की बात करें तो दोस्तों, इस गाड़ी का आपको टायर कंडीशन देखने को मिल जाता है 50-60%। हालांकि टायर थोड़ी बहुत घिस चुकी है, बट इट्स ओके, ठीक है, सेकेंड हैंड प्राइस में आपको इतना कंडीशन का मिल रहा है तो आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे टायर तो आपको सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो जल्दी चेंज कराना पड़ता है, बट जब भी आप सेकंड हैंड गाड़ी ले तो ध्यान यही रखें कि 80-90% जिसका टायर का कंडीशन हो वही ले, क्योंकि सबसे पहला चूरा तो आपको टायर में ही लगता है। वैसे मैं इस गाड़ी का बता देना चाहता हूँ, इस गाड़ी को लेंगे तो टायर ठीक है, चल जाएगा आराम से आपका 25-30 हज़ार किलोमीटर बहुत आराम से चल जाएगा, उसके बाद ही आपको एक दो टायर चेंज कराने की जरूरत पड़े। सो पड़े अगर आपका कम यूज है तब तो आप इस टायर में बहुत आराम से चला सकते हो 2-3 साल तक, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और व्हील कैप आपको देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। हालांकि व्हील कैप की क्वालिटी की बात कर ले तो जहाँ पे एलोएस आपको देखने को मिलते हैं, एलोएस लोहे के होते हैं, बट इसमें आपको एलोएस देखने को नहीं मिलते, इसमें आपको नॉर्मल जो होता है ना प्लास्टिक का व्हील कैप वही आपको देखने को मिलता है, तो ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा इसका एलोए। और पीछे से बात कर ले तो पीछे से कुछ इस टाइप का आपको लुक देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको हुंडई की बैजिंग, सेंट्रो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बूट ओपन करने के लिए आपको दोस्तों की का फीचर्स मिल जाता है, मतलब कि आप अंदर से तो इसका बूट ओपन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इस गाड़ी का पीछे से भी बूट जो है ना वो ओपन कर सकते हैं। रिफ्लेक्टर की बात कर ले तो आपको कहीं भी इस गाड़ी के अंदर रिफ्लेक्टर देखने को नहीं मिलती है, जो कि मुझे थोड़ा डिस्गस्टिंग लगता है, मतलब यार देना चाहिए था ये रिफ्लेक्टर, एक तरह से नाइट के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और सेफ्टी पर्पज़ का मैं बता रहा हूँ, जो 1000 लैंप हो गया या फिर गाड़ी का बैटरी ऑन करना पड़ता है लाइट जलाने के लिए, तो उसमें ऐसा कोई सीन नहीं होता, कोई गाड़ी आ रहा है तो ऑटोमेटिक पीछे से लाइट चला जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और पीछे से वाइपर की बात कर ले, पीछे में क्योंकि कितनी सारी गाड़ी आपने देखा है जिसमें पीछे में भी वाइपर देखने को मिलता है, बट दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको कोई वाइपर देखने को नहीं मिलता। जी हाँ, पीछे में भी आपको वाइपर नहीं मिलेगा, आगे की बात कर ले तो आगे में तो दो वाइपर आपको देखने को मिलता ही है, जो कि मैंने आपको दिखाई दिया था। और इसके बम्पर की क्वालिटी की बात कर लें तो A1 है, सिर्फ बम्पर का नहीं पूरा का पूरा गाड़ी का जो क्वालिटी है ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आपको इस गाड़ी का देखने को मिलता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे आपको टेन लाइट की बात कर ले तो पीछे से जो टेन लाइट है ना, पीछे का टेन लाइट वो आपको नॉर्मल देखने को मिल जाता है, कोई आपको इसमें LEDs का जो होता है ना फीचर्स वो देखने को नहीं मिलता, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। LEDs वाला अगर आपको चाहिए तो फिर आपको इसको मॉडिफाई कराना पड़ेगा, तो आप देख लीजिएगा अगर आप LED लगवाना चाहें तो, वैसे ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ORVM की बात कर ले तो दोस्तों, ORVM जैसा आपको पता है हुंडई सेंट्रो में नहीं आती है ORVM के अंदर कोई भी लाइट, आपको फेंडर के ऊपर साइड इंडिकेटर दी गई है तो आपको उससे काम चलाना पड़ेगा। और इस पर अगर आप चाहें मॉडिफाई कराना तो इस वाले मिरर में तो बिल्कुल नहीं लगने वाला, आपको ORVM बिल्कुल अलग टाइप का लगवाना पड़ेगा, देन आपका उसमें लाइट जो होता है ना साइड इंडिकेटर वो आपको देखने को मिल जाता है। वैसे गाड़ी ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इंटीरियर की बात कर लें तो सबसे पहले तो आप पीछे का सीट का क्वालिटी जो ना आप देख लीजिए, काफ़ी शानदार आपको क्वालिटी देखने को मिल जाता है। और पीछे में सीट का बात कर लें तो भाई ने कवर
काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है लुक के हिसाब से। और गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ऐसा नहीं कि सेकंड हैंड गाड़ी है तो भाई कवारा करके गाड़ी को सेल कर रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम इस गाड़ी का देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको स्टेयरिंग बता दूँ, तो गाड़ी का जो स्टेयरिंग है ना आपको पावर स्टेयरिंग के साथ देखने को मिल जाता है। हालांकि बात कर ले स्टेयरिंग के ऊपर जो कंट्रोल्स हमें मिलती हैं, तो कंट्रोल्स इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम के टाइम में कंट्रोल्स देना स्टेयरिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंपनी के लिए डिफिकल्ट होती थी। सो आपको स्टेयरिंग के ऊपर कोई कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलता, बट हाँ पावर स्टेयरिंग है, सो काफ़ी अच्छी बात है। और बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें, मतलब इंटीरियर में, तो इंटीरियर का जो प्लास्टिक है ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। आप जब आप टेस्ट ड्राइव लेने जाओ तो आप कॉस देख लेना, काफ़ी अच्छा आपको इसका क्वालिटी देखने को मिल जाता है प्लास्टिक का, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और फ्रंट में एसी विंड की बात कर ले, तो आपको फ्रंट में 4 विंड्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा वर्किंग करते हैं। ठंडी हो या गर्मी दोनों में आप इस गाड़ी के एसी के भरपूर मज़े उठा सकते हो, क्योंकि दोस्तों गाड़ी के अंदर आती है एसी और हीटर के साथ भी आती है, सो ठंडी गर्मी दोनों में इसका एसी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। साथ ही साथ गियर नॉब की बात कर लें, तो इसका गियर नॉब आपको नॉर्मल सिंपल से आपको देखने को मिल जाता है, और मैनुअल गियर बॉक्स वाली गाड़ी है। जी हाँ, ट्रांसमिशन जिसे बोलते हैं वो मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी है। ग्लव बॉक्स काफ़ी ज़्यादा आपको इस गाड़ी के अंदर बड़ा देखने को मिल जाता है। और विंडोज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि विंडोज़ क्या होता है ना कि किसी गाड़ी के अंदर विंडोज़ जो है पावर विंडोज़ मिलता है, तो किसी में आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। बट इसका मैं आपको विंडोज़ बता देना चाहता हूँ, इसका विंडोज़ जो है ना आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है, हैंड रोटेटिंग आगे और पीछे दोनों का दोनों आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। तो इट्स ओके यार, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा है भी फीचर्स होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं गाड़ी पेट्रोल है या डीजल। तो दोस्तों ये जो गाड़ी देख रहे हैं पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है, तो इसमें सीएनजी जो लगाने के लोगों का ख्वाब होता है ना, वो भी आप लगवा सकते हो बिना कोई परेशानी के। चलिए सीएनजी का भी मैं आपको कॉस्ट बताता हूँ कितना लगता है सीएनजी कॉस्ट, क्योंकि बहुत लोग सोच के नहीं लगवाते कि भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप सेकंड हैंड सीएनजी, जी हाँ सेकंड हैंड सीएनजी भी लगती है, अगर आप सेकंड हैंड सीएनजी किट लगवाते हो अपने गाड़ी के अंदर, तो 20 से 25 हज़ार के आसपास, मतलब 15 से 20-25 आप लेकर के चलो, उतना में आपका आराम से लग जाने वाला है। वहीं अगर आप न्यू किट डलवाने जाते हो, वैसे तो 2020 में डलवाने जाते हैं, 21-22 में डलवाने जाते, तब तो आपका ये जो सेकंड हैंड मैंने प्राइस बताया ना उतना में नया लगा करता था। लेकिन अभी के टाइम अगर आप नया लगवाने जाओगे तो 30 से 40 हज़ार जरूर आप हाथ में रखना, तभी आपका सीएनजी किट लगने वाला गाड़ी के अंदर। वही 10 किलो के आसपास आपका गैस आएगा अगर आप सीएनजी किट लगवाते हैं। तो बात कर लेते हैं और डिटेल्स की, तो हुंडई सेंट्रो आप देख रहे हैं 2009 मॉडल पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी। किलोमीटर बताऊँ तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 86,000 किलोमीटर चली गई है। जी हाँ, 86,000 किलोमीटर जो है ना गाड़ी चल चुकी है, जो कि ठीक है, एक सेकंड हैंड गाड़ी के लिए काफ़ी बेस्ट चली हुई है। और गियर बॉक्स तो मैनुअल, जो कि मैंने आपको बताई दिया था। चलिए बात कर लेते हैं ऑनर की, कौन सी ऑनर गाड़ी है, फर्स्ट ऑनर या सेकंड ऑनर है। तो दोस्तों ये जो गाड़ी आप देख रहे हो सेकंड ऑनर गाड़ी है। बात कर ले लोकेशन की, तो अलवा है लोकेशन। मैं आपको एक और लोकेशन बता दूँ जिससे आपको पता चल जाए अच्छे से, बांका जंक्शन अलवा इसका नाम है लोकेशन का, ठीक है। अगर आपको फिर भी लोकेशन ना समझ में आए तो ऑनर से जब आप बात करिएगा तो उनसे करंट लोकेशन आप व्हाट्सएप पे ले दीजिएगा। बात कर लेते हैं प्राइसिंग का, तो दोस्तों गाड़ी का प्राइस है 1,48,000 रुपये, जो कि नॉगेशेबल है, सो प्राइस कम कर दी जाएगी। मैक्सिमम गाड़ी आपको 1,20 तक बहुत आराम से पड़ जाने वाली है। चलिए मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर का बताता हूँ कहाँ मिलेगा। तो ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पे है, नंबर पे आप कॉल करके गाड़ी को बाय कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ।